बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सब सुंदर साथ की जय। नजरों सब आवत है इन ऊपर की बैठक, देख दूर की बातें करे रंग रस उपजावी है, रंग रस उपजावी है। श्री रंग महल की नवी भूमिका, दूरदर्शिका, यहाँ पिया श्री राज श्यामा जी, ये सब जब भी हम सखियां जिन दिशा में बैठती हैं, तो शिवा जी हमारी धाम धनी अंगुली के इशारे से दूर दूर के नजारे दिखाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से आज शोभा देखने का प्रयास करते हैं श्री रंग महल की नवी भूमि। आप शिवराज जी श्यामा जी की अपार मेहर से खुद को महसूस करते हैं श्री रंग महल के नवी भूमि के इन 28 स्तंभ के चौक की। सबसे पहले 28 स्तंभ के चौक की सुंदर शोभा धामधनी दिखलाते हुए हीर कराए रंगो नगो में झील मिलाते नूरी धुम उनकी मेहराबी, थम्बों को भराई के नूरी चंद्रमा, कली किलम सिंहासन कुर्सी की शोभा। और यहाँ से हमें संपूर्ण परम धाम संपूर्ण रंग मेल के वो नूरी नजारे दिखाई देते हुए मंदिरों की दो हारे भीतर हवेलियों की 36 फिरावे, मध्य नव चौक चारों कोनों पे आए जल स्तूप, सुंदर लोर से झील मिलाती शोभा। और अब चलती है पहाड़ी हार मंदिरों की तरफ। इन दो थंबों की हार तीन गलियों में है, सुंदर नूरी आभा इन गलियों की सुंदर समा। और इन बाहरी हर मंदिरों की ओर नजर करते हैं तो ये मंदिर हमें तीन सीढ़ी ऊंची चबूतरी पर दिखाई देते हैं। उन चबूतरी की अलौकिक शोभा, तीन सीढ़ी ऊंचाई पर मंदिरों की संपूर्ण शोभा, मंदिरों की भीतरी दीवार। एक मंदिर की ओर नजर करते हैं तो एक बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में तीन मेहराबे ठीक मध्य दरवाजा, और दरवाजे के सन्मुख तीन तीन साथ का लंबा चौड़ा चबूतरा, और चबूतरे के दोनों तरफ से सीढ़ियां उतरती हुई। तो जब हम इन गलियों में रमन कर रहे हैं सखियों सब हाथों में हाथ थामे तो इन मंदिरों की ओर नजर करते हैं तो तीन सीढ़ी ऊंचे ये मंदिर और उनके द्वारों के आगे चांदों की शोभा जिससे तीन तीन सीढ़ियां उतरे हैं, एक एक चांदी की अलौकिक शोभा। अब इन सीढ़ियों से तीन सीढ़ियों से इन मंदिरों के द्वारों के सम्मुख खड़ा होना, जितना लंबा चौड़ा द्वार द्वार अपना आया 37 की चौड़ाई में, तो उतनी ही लंबाई चौड़ाई में सामने चबूतरा। मुख्य द्वार की बात करते हैं कि यहाँ पर 88 हाथ की चौड़ाई में दरवाजा, तो चांदा भी 88 हाथ की लंबाई लिए और चौड़ाई तो 37 की लिए, और दोनों तरफ से तीन तीन सीढ़ियां उतरती हुई और भीतरी तरफ नूरी कठेरा। तो ये सुंदर शोभा। अब हम इन नूरमयी सीढ़ियों से तीन सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे से होते हुए इन द्वार को पार करके यहाँ पर आए, तो यहाँ आके हम देखेंगे ये जो बाहरी हर मंदिर है, ना तो इनकी बंगली दीवार आई है ना बाहरी दीवार आई है,
मंदिर मंदिर की हद पर थमवाए हैं। तो यहाँ पर 6,000 मंदिर की खुली दहलान हुई है, 6,000 मंदिर की खुली दहलान। ये देखिए आने जाने का एक रास्ता, 6,000 मंदिरों की ये खुली दहलान। तो एक मंदिर की चौड़ी और 6,000 मंदिर की लंबी ये दहला। पुनः शवा को देखते हैं, यहां से रमन करना शुरू करें तो एक खुली दहला, कहीं अटकाव नहीं, दौड़ते हुए घुड़सवारी करते हुए पगियों पर हम यहाँ पर आ पहुंचे। अब देखेंगे कि मंदिर मंदिर की हद पर थंबों की शोभा, खुले थंबाए हैं। अब हमारे पास मंदिर थे 5,999, 6,000 से एक कम, लेकिन यहाँ पर 201 बुर्ज आने से 201 थंब कम हो गए हैं। थंब आने चाहिए थे 5,999 पर उनमें 201 बुर्ज आने से थंब कम हो गए, क्योंकि यहाँ पर बुर्ज आ गए तो थंबों की गिनती कम हो जाती है। अब इन थंबों से आगे यहाँ से एक मंदिर का छज्जा निकला और इन छज्जे में जो तले धाम रोसाई है उन पर एक छत कर दी। अभी तक हमने देखी थी दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं कोण में 33 हाथ पर चौड़ा छज्जा निकला और वो मंदिरों से एक सीढ़ी था, लेकिन यहाँ पर बाहरी हर मंदिरों का ये स्थान 3 सीढ़ी ऊंचा जो दहलान रूप में, और ये छज्जा भी दहलान और छज्जा एक रूप है, यानी इनका लेवल एक है। तो यहाँ पर सुंदर नूरी 201 चरोखे बनते हुए वो जब अपने स्थान पर आए हैं तो 201 चरोखों की शोभा प्रतीत होती है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं, हम मान लीजिए चांदनी चौक में खड़े हैं, नजर रंग महल की ओर करते हैं तो 8वीं भौम तक तो रंग महल की शोभा पहलदार दिखाई देती है। जो बुर्ज है अच्छे से दिखाई देते हुए बाहर निकलते हुए, जैसे हमारे पन्ना जी में गुम्मद जी के जो गुम्मद है बुर्ज है अपने को दिखाई देते हुए, लेकिन नवी भूमिका में अभी तक शोभा देखी थी कि मंदिरों के हाथ 33 हाथ का छज्जा और बुर्ज के हाथ के भी 33 हाथ का छज्जा। नवी भूमिका में क्या हुआ, बुर्ज के आगे तो 33 हाथ का ही छज्जा रहा, लेकिन मंदिरों के आगे 100 हाथ का छज्जा हो गया। तो यहाँ पे 33-33 हाथ के छज्जों के जस्ट ऊपर जब 100 हाथ का छज्जा वो बढ़ता छज्जा हाँस आँस पे बुर्ज आने से ये शोभा हमें चरोखों की तरह नजर आती है, घेर कर 201 चरोखे। 10 मंदिर के हाँस में 10 मंदिर का चरोखा और 10 मंदिर के हाँस में चरोखे की चौड़ाई भी 3 मंदिर की होती है। ये देखिए एक मंदिर दहलान के और 2 मंदिर चौड़े इन लंबे चरोखे के, तो यहाँ पर चरोखा 10 मंदिर का तो लंबा और 3 मंदिर का चौड़ा होता हुआ, और दाएं बाएं देखेंगे 2 मंदिर के चौड़े और 25 मंदिर के लंबे चरोखे, और घेर कर बाकी सभी चरोखे 30 मंदिर के लंबे और 2 मंदिर के चौड़े आए। और एक सुंदर शोभा, ये जो एक मंदिर का छज्जा निकला इन छज्जे की बाहरी किनार पर थंबाए और इन थंबों के दरमियान सुंदर कठेरा। इन शोभा को एक अन्य नक्शे से भी देखते हैं, इन पिक्चर्स के माध्यम से देखिए राजकोट सुंदर साथ की सेवा। मंदिरों की भीती दीवार नजर आती हुई, मंदिर की हद पर ये मंदिरों की पहली हाथ और ये
छज्जे की किनार पर थंबों की हार। ये देखिए मंदिरों की भीतरी दीवार, थंबों की पहली हार जो मंदिर की हद पर आई, मंदिर मंदिर की हद पर जो थंबाए दीवाले ना आकर, और फिर जो एक मंदिर का छज्जा निकला उनकी बाहरी किनार पर थंब, और थंबों के मध्य सुंदर कठेरा। ये देखिए मंदिरों की भीतरी दीवार, एक बड़ी मेहराब, बड़ी में तीन ठीक मध्य दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामा। फिर इन मंदिरों से एक मंदिर की दूरी पर थंबों की सुंदर शोभा। इन मंदिरों की बाहरी दीवार और बगली दीवार नहीं आई तो दहलान की शोभा। अब इन दहलान से एक मंदिर का छज्जा निकला और छज्जे की किनार पर भी थंब और उनमें सुंदर मेहराबे, और यहाँ पर एक छत होती हुई इन छज्जे की किनार तक सुंदर नूरी छत होती हुई। मान लीजिए कि हम इन 10 मंदिर की हास में इन छज्जे पर रमन कर रहे हैं तो नजर ऊपर करेंगे तो हमारे ऊपर नूरी चंद्रमा, तो सुंदर शोभा इन चरोखों में बैठकर सुंदर नजारे देखना धाम परम धाम की। जब श्री राजी संघ पूर्व दिशा में आए इन चरोखों में बैठते हैं, इन 10 मंदिर के चरोखे में, 25-25 मंदिर के चरोखे में, तो धनी हमें अंगुली के इशारे से सातवन जमुना जी पुनः सातवन अक्षरधाम आदि जवेरों की नहरे, वन की नहरे, छोटी राम और सर्व सागर तक के नजारे दिखाते हैं। और अगिन कोने से नूर सागर की सुंदर शोभा झिलमिलाती है। दक्षिण दिशा में हमें धनी बट पीपल की चौकी, कोच को सर, कुंज निकुंज, चौबीस सांस के महल, माणिक पहाड़ और नील सागर के नजारे दिखाते हैं। पश्चिम में फूलबाग, अनवन, धूप बगीचा, पश्चिम की चौपाल, वन की नहरे, छोटी राम आदि नदी सागर के नजारे, और वायव्य कोने से गिप्त सागर के नजारे, उत्तर दिशा में पुखराज आदि मधु सागर के नजारे, और ईशान कोने से रस सागर के नजारे पिया दिखलाती है। बड़ी वृत्ति में बड़ी प्यार से सुंदर नूरी चपैया आती हुई जब तरफ पूरब को बैठक देखिए तले सातों घाट, जमुना पर नूर मोहल सो अक्षय नूर को था। जब दक्षिण तरफ देखिए बैठे इन सिंहासन, पहाड़ मानिक आवे नजरों झलकर नूर रोशन। जो पश्चिम तरफ बैठा देखिए सबज यानी मोहल नोर, वहां सागर है दधी का चार हार हवेलिए रोशन जहूर। जो उत्तर तरफ बैठा इत नजरों आवत पुखराज, जब सैया सुखपाल में आवत रमन संगराज, श्री महामत कहे ए मोमिनो ए कही तुम्हारी ठोर, अब आओ अपने वतन तुम फिकर न करो और, तुम फिकर न करो और। श्री महामती जी आह्वान कर रहे हैं ये सुंदर साथ जी, ये आपका निज धाम है, आपका निज घर है, नवी भूमि की अलौकिक शोभा है। आइए संसार के सभी काम धंधों से नजर फेर कर अपनी नजर अपने धाम अपने श्री रंग में धाम धनी जी के चरणों में कीजिए।
और सुंदर मेरी शोभा के अपनी आत्मिक नजरों से ग्रहण कीजिए, अखंड सुख को लीजिए। प्रणाम सुंदर साहब जी।